वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 में रहने वाले टॉप 10 ऑलराउंडर्स के बारे में। नंबर 10, जिमी नीशम। जिमी नीशम एक न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइटर मीडियम फास्ट बॉलर है। जिमी नीशम अब तक मुंबई इंडियंस, किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रहे हैं। जिमी नीशम एक बेहतरीन हार्ड हिटिंग फिनिशर और एक अच्छे मीडियम पेसर है और वो बढ़िया फील्डिंग भी कर लेते हैं। जिमी नीशम जैसे मल्टी स्किल प्लेयर को कई आईपीएल टीम्स खरीदना चाहेंगे। नंबर 9, मिचेल सैंटनर। मिचेल सैंटनर भी न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं और एक स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, जिन्होंने अभी तक आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला है और 6 मैचेस में 7.00 की बेहतरीन इकोनॉमी से 6 विकेट लिया है और 139 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी भी किया है। मिचेल सैंटनर ऑक्शन में एक बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। नंबर 8, क्रिस जॉर्डन। जॉर्डन एक बॉलिंग ऑलराउंडर है जो राइट आर्म फास्ट बॉलर और राइट हैंडेड बैट्समैन है और अभी तक पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए 24 मैचेस में 25 विकेट्स लिया है, मगर बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला है। जॉर्डन टीम्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे। नंबर 7, मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी एक राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर और राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और अभी तक आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए 17 मैचेस में बढ़िया इकोनॉमी से 13 विकेट्स लिया है और 150 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 180 रन भी बनाया है। इस अफगानिस्तान के ऑलराउंडर के विकेट टेकिंग और हार्ड हिटिंग एबिलिटी की वजह से कई आईपीएल टीम्स उन पर बोली लगाएंगी और नबी अच्छे खासे कीमत में बिकेंगे। नंबर 6, मोजेस एनरिक्स। ये ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑलराउंडर एक राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है और अब तक पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली डेयरडेविल्स जैसे टीम्स के लिए खेलते हुए 62 मैचेस में 1000 रन बनाया है और 42 विकेट भी निकाला है। मोजेस एनरिक्स जैसे एक्सपीरियंस बैटिंग ऑलराउंडर को कई आईपीएल टीम खरीदना चाहेंगे इस बार। नंबर 5, शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप रैंकेड ऑलराउंडर में से एक है। शाकिब एक स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। अभी तक आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए 793 रन बनाया है और 63 विकेट्स भी लिया है। एक्सपीरियंस से भरपूर इस बांग्लादेशी ऑलराउंडर को कई आईपीएल टीम्स खरीदकर स्क्वाड को मजबूती देना चाहेंगे। नंबर 4, ड्वाइन ब्रावो। वेस्ट इंडीज के ड्वाइन ब्रावो एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और राइट हैंडेड मीडियम पेसर है, जिन्होंने अब तक आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात लायंस के लिए खेलते हुए 167 विकेट्स और 1537 रन बनाया है। इन्होंने अब तक आईपीएल में दो बार पर्पल कैप जीता है और एक सीजन में हाईएस्ट 32 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। ड्वाइन ब्रावो आईपीएल के सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी है। ड्वाइन ब्रावो जैसे ऑलराउंडर को भला कौन ना खरीदना चाहेगा। नंबर 3, वनिंदु हसरंगा। श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा अभी आईसीसी के टॉप रैंकेड ऑलराउंडर में से एक है। हसरंगा एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है और राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। हसरंगा को आरसीबी ने लास्ट ईयर एज ए रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया था, मगर उनको उतना मौका नहीं मिला। हसरंगा जैसे करेंट टॉप रैंकेड विकेट टेकर और हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर को भला कौन सा आईपीएल टीम खरीदना ना चाहेगा। नंबर 2, मिचेल मार्श। ऑजी ऑलराउंडर मिचेल मार्श एक राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम पेसर है। मिचेल मार्श अब तक आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और पुणे वॉरियर्स इंडिया के लिए खेलते हुए 21 मैचेस में अच्छे इकोनॉमी के साथ 20 विकेट्स और 225 रन बनाया है। वो इस बार वर्ल्ड टी20 फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी थे। मिचेल मार्श जैसे बैटिंग ऑलराउंडर इस बार हर फ्रेंचाइज के निशाने पर रहेंगे। नंबर 1, जेसन होल्डर। वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर एक बॉलिंग ऑलराउंडर है जो राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और अब तक आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए 35 विकेट्स लिया है और 189 रन भी बनाया है। जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के कैप्टन भी रहे हैं। जेसन होल्डर जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर इस बार ऑक्शन के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहेंगे। ऑनरेबल मेंशंस, वेस्ट इंडीज के सरफन रदरफोर्ड, ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैम्स, सिंगापुर के टिम डेविड, वेस्ट इंडीज के फैबियन एलन, ऑस्ट्रेलिया के बैन कटिंग, नम्बिया के डेविड विजे, वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रैथवेट, न्यूजीलैंड के कॉलिन मंद्रो, वेस्ट इंडीज के कीमो पॉल, इंग्लैंड के डेविड विली, न्यूजीलैंड के कॉलिन दी ग्रैंड होम, ऑस्ट्रेलिया के जेम्स फॉकनर, श्रीलंका के थिसारा परेरा,
और वेस्ट इंडीज के रोस्टन चेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।